बड़ी खबर आ रही है, आज रोहतक में एमबीबीएस छात्रों का धरना खत्म हो सकता है। बीते 54 दिन से छात्र बॉन्ड पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं और आज रोहतक पीजीआई की कुलपति अनीता सक्सेना धरना स्थल पर जाएंगी और कुछ देर में छात्रों को आश्वासन देंगी। तो माना यह जा रहा है कि यह धरना प्रदर्शन आज खत्म हो जाएगा। आश्वासन देने की बात यहां पर की जा रही है। पीजीआई की कुलपति आज पहुंचेंगी। एमबीबीएस छात्र बॉन्ड पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं, पिछले कई दिनों से 54 दिन बीत चुके हैं और ऐसे में आज ही माना जा रहा है कि आश्वासन मिलने के बाद ये धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता रोहतक से राज टाकिया जुड़ चुके हैं। राज, बड़ी बात यहां पर कही जा रही है, आश्वासन यहां पर मिलेगा, कुलपति पहुंचेंगी, क्या माना जाए, प्रदर्शन जो है खत्म हो जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से एमबीबीएस डॉक्टर्स की हड़ताल का आज 54वां दिन है और जो डॉक्टरों की हड़ताल जो है वो पूरे हरियाणा में भी छात्रों की चल रही थी और ऐसे में कई दौर की बात थी जो है वो मुख्यमंत्री के सामने भी हो गई थी। बॉन्ड पॉलिसी को रद्द करवाने के लिए इनकी ये हड़ताल चल रही थी। अभी जो है छात्रों का कहना है कि कुछ देर में हो सकता है कि ये हड़ताल खत्म हो जाए और कुछ देर बाद जो है पीजीआई की जो वीसी है अनीता सक्सेना वो को आश्वासन देगी और संभावना ये जताई जा रही है कि हड़ताल आज जो है पूरे हरियाणा में खत्म हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए काफी यहाँ पर वक्त लगा है क्योंकि लगातार विरोध यहाँ पर देखा जा रहा था इन सभी बच्चों को और ऐसे में क्या इनका मानना है, क्या इनकी रणनीति है आगे की? जी जिस तरीके से आगे की रणनीति की अगर बात कर ली जाए तो फिलहाल जो है सरकार ने जो बॉन्ड पॉलिसी, नई बॉन्ड पॉलिसी जो जारी की है उनके कुछ मुद्दों पर इनकी सहमति बन गई है और इनका कहना है कि सरकार जो है आगे भी अगर इसमें बदलाव करती है तो ये आंदोलन खत्म हो जाएगा और अभी जो है ये कुछ बिंदुओं पर इनकी सहमति है इसलिए ये हड़ताल को अभी जो है खत्म कर रहे हैं। ऐसे में जो डॉक्टर्स जो है उनका कहना है कि अभी ये लड़ाई सिर्फ बॉन्ड पॉलिसी की थी वो अभी खत्म हुई है, बाकी जो अन्य मुद्दे हैं अगर जरूरत पड़ती है तो ये फिर हड़ताल पर भी जाएंगे, फिलहाल ये हड़ताल जो है आज खत्म करने की स्थिति में है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब देखना ये होगा जब कुलपति पहुंचेंगी मौके पर, आश्वासन देंगी, तब क्या वाकई में हड़ताल खत्म होती है या थोड़ी ही देर में साफ हो जाएगा।